कपड़े धोन की तैयारी या मशीन है इस साइड, इसने आप बुक ऐड इसका कवर उतार लेंगे और आज कपड़े धोवाएंगे अपने इस साइड पे खुलेगी साइड या इस साइड तो खुलेगी क्योंकि कपड़े धोएंगे 4-5 दिन हो गए हैं और आप कपड़े धोन की तैयारी कर लिया या अपन गाइड भी है और ही अपन इसका ढक्कन भी उतार दिया इसका रख दिया इस कन्ने और ये अंदर सारी साफ है। यूँ कपड़ा निकाल दें इसका जिस तरह कपड़ा बंद रहा था इसके ऊपर ही बाबा कपड़े धोने की तैयारी कर लिया निकाल दिया है यहाँ पे निकालने का और कहाँ फंस गया ये वो निकल गया है और इसने थोड़ी सी साइड सरका लिया इसके अंदर सब डाल लिया मशीन में ले ठिक्का मां ईव कर दिया है रेडी। और मैं बोलूं था फट गया मेरा हाँ देखा तो भाई इसके अंदर आप सरप डाल लिया पहले सरप डाल दिया ही हुआ ने थोड़ा और लेके आवानगे और थोड़ा और ले लिया हमारे इसमें एक मुट्ठी और ले लिया है क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं ज़्यादा कपड़े हम ज़्यादा सरफ डालना पड़ेगा तो आप अपने कपड़े ले लिया कपड़े उठा लें अपने ये धोने हैं आज सारे दो ड्रेस हैं दो की दो आज धो जा ये उठा ली हाँ अपन दो ड्रेस और ये रख दिया अपन बाल्टी ले ली है इसमें गर्म पानी लेके आवाए पहले एक बाल्टी गर्म पानी डाल के एक बाल्टी इसके अंदर ठंडा डाल के जब मशीन में कपड़े डालेंगे सरफ आप डाल आए थे और अभी गर्म पानी के लिए टंकी भी उगा ढक्कन उतार दिया टंकी का और पानी डालेंगे एक बाल्टी गर्म पानी की उसके अंदर क्योंकि गर्म और ठंडा मिलने के बाद में कपड़े अच्छे निखरेंगे पानी में डालने दें क्योंकि कुछ सर्दी के हैं जिस तरह एक स्वेटर है एक जर्सी है ये सारी आज आपने मशीन के अंदर धोनी है और आपने हमने ही बाल्टी भर चुकी अपनी ये देखो और अब ले के चल रहे हैं और मशीन में डालेंगे पहले अब हम कुछ उसके अंदर मशीन में ठंडा पानी डाल दिया देख भी रहा होगा आपने ये ठंडा पानी डाल दिया है एलजी की अपनी मशीन है और ये ठंडा और गर्म अब मिक्स कर देंगे इसमें ठंडा और गर्म मिक्स होने के बाद
ये अपन अब गरम डाल दिया है, गरम पानी डल गया और ये अब सर्व भी गुड़ गया है अच्छी तरह से। कंडल ठंडा पानी बहुत डल गया है, बाबा ठंडा पानी वाली ने बंद कर दिया रोटी ने, आपा ने बंद कर दी और यह पाइप निकाल ली है यहाँ तक और वापिस यहीं पर रख दिया। यहीं पर रख दिया वापिस आपा ने और ये इसकी तार लगा दिया फिलहाल लाइट पर, बटन बंद कर दिया और ये लगा दी है आपा ने। अब स्टार्ट करने की देर है, कपड़े डाल के तो थोड़ा और पानी लेके आवांगे इस बाल्टी में हम, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना गर्म नहीं है, मशीन के अंदर रहा अभी थोड़ा ठंडा हो गया, अपना ठंडा ज़्यादा डल गया। अब उसके अंदर थोड़ा गर्म और डाल दी जिस तरह कपड़े अच्छी तरह धुल जाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में कपड़े अच्छे नहीं खरिया रहे, बढ़िया तरह वाश हो जाएंगे। तो भैया पानी कवर ओढ़ दें, उठाया गया मशीन का सीढ़ी पर रख दिया हटा ताकि कुछ धूप लगने तक सूख जाए, बिल्कुल गीला हो रहा था तो भी रख दिया और सूख जाएगा थोड़ी ही देर में सूख जाएगा यू। तो ये भी उत्ता सड़ा अपन गेहूँ का भर के लेके जाना है ताकि आटा खतरी ना साफ कर लिया, स्टोर के अंदर तो अपन गेहूँ लेने हैं। और यह ट्यूब आप चालू कर लिया अपनी जिस तक कुछ लाइट का फर्क रहेगा, ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा। ये कट्टा भी अभी खोल लेंगे वहाँ पर, वहाँ मशीन चालू कर आई क्योंकि अब कपड़े धुल जाएंगे, धुलने के बाद में फिर वो नीचे उड़ के सूख जे सुखाने की तैयारी तो हो जाएगी, मशीन में डाल देंगे सूखने का काम हो जाएगा वो भी साथ में। मशीन का ही बहुत बढ़िया फ़ायदा है वैसे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो चलो हाथ से धो के धूप में डाल दें कपड़े सूख जी जल्दी, लेकिन सर्दी का टाइम है जब मौसम ख़राब हो और वो कपड़े धोने के बाद वो सूखते नहीं बाहर बगैर मशीन के, कम से कम यूँ लगा लो 2-3 दिन के अंदर सूखते हैं कपड़े। तो इसीलिए मशीन भी बहुत सहायक है कपड़े सुखाने के लिए और धोने में भी, क्योंकि धुल भी जाते हैं सूख भी जाते हैं मशीन के अंदर ही कपड़े, क्योंकि मशीन भी अलग अलग होती है, कोई नॉर्मल मशीन है कोई एडवांस है जो कि पानी भी अपने आप लेती है और कपड़े धो के सुखा के प्रेस करके सिर्फ बाहर निकालती है मशीन। तो हमने यहाँ से गेहूँ डाल लिए हैं और अब हम इसको उठा के ले के चलेंगे गेहूँ को वहाँ पे, कुछ तो 15-20 मिनट तो धूप में रखेंगे इनको, धूप में रखने के बाद फिर इनको साफ़ करेंगे।